नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जीआईएनओ कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था, वापस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आज ही मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है आज आप लोगों की, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर जो दसवां शुरू किया था हमने, उस दसवें चैप्टर के टॉपिक्स हमने केवल दो डिस्कस किए हैं, उसके आगे हम लोग लेकर के आएंगे। और चिंता मत कीजिए, आपके साथ में कुछ जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और मोस्ट क्वेश्चन के प्रोवाइड करवाने के साथ साथ में आप लोगों का भी जल्दी ही कुछ दिनों के बाद में लाइव सेशन भी रख लिया जाएगा। और जरूर मुझे बेटा आप क्या करना, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन से टॉपिक का या कौन से चैप्टर का अपने लाइव सेशन रखें, है ना। तो आप लोगों के साथ में लाइव सेशन रखा लिया जाएगा जल्द ही। तो मैं पहले बता ही देता हूँ, अनाउंस कर ही देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने चैप्टर कौन से का लाइव सेशन रखा था अपने, अगर आपको याद है तो आठवें चैप्टर का लगता तुमने लाइव सेशन रख लिया था, है ना, है कि नहीं। तो अपने फिर ऐसे करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे बाबूओ, है ना, अपने लाइव सेशन जो है वो लाइव सेशन अपने रख लेते हैं। कौन से चैप्टर का रखें, चैप्टर का रख लेते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों, चलो चौथे चैप्टर का रख लें क्या, या तेरहवें का रखें, बताओ। हाँ, लेसन चार या लेसन तेरह। लेसन तेरह तो अभी ताजा ताजा हुआ है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लगता आपके लिए। तो अपने ऐसे करते हैं, लेसन चार का लाइव सेशन रख लेंगे अपने, और वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दूंगा मैं। तो लेसन जो चौथा है केमिकल बॉन्डिंग, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसका जल्द ही आपके सामने लाइव सेशन आएगा, लाइव आएंगे। और जिस प्रकार से लाइव टेस्ट हमारा पहले हुआ था, वैसे ही हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे आपके साथ में, ठीक है बेटा जी। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को लेसन नंबर चार जो है उसकी रिवीजन करना होगा आपको, है ना। और नो डाउट अपने इस वीक के अंतर्गत जल्दी जल्दी अपने ले लेंगे लाइव सेशन। तो साहब तो क्या करो, लेसन नंबर चार को बेखूबी के साथ में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है बेटा जी। अनाउंस कर दूंगा मैं किस दिन लाइव आएंगे अपने, तो बस एक दो दिनों के बाद में आएंगे लाइव। तो उतने में आप लोग क्या करो, लेसन नंबर चार को जो है बेखूबी के साथ में आप लोग आराम से पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो मुझे आप लोग पूछ लेना। चलिएगा बेटा जी, पिछली क्लास में तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्या चीजें कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी आपने, ये आयरन पोटेंशियल हो गया था हमारा, है ना। तो आइए उसके आगे अपने डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथो, आगे शुरुआत करेंगे अपने। तो आज हमको क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा जी वर्ग संख्या एक के भौतिक गुणधर्म के बाद रासायनिक गुणधर्म, है ना जी। हाँ, तो हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट। वर्ग संख्या एक के तत्वों के अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आज इसी के बारे में हमारी क्लास रहेगी, है ना, प्रॉपर्टीज फर्स्ट। आ जाओ, तो पॉइंट नंबर पहला बात करेंगे बेटा जी अपने कि ग्रुप नंबर एक लिख लो आप लोग, मैं लिखवा देता हूं, क्षारीय धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन मेटल कहूं या क्षारीय धातु कहूं। तो उसमें सबसे पॉइंट नंबर पहला आएगा हमारा, पॉइंट नंबर एक डिस्कस करेंगे अपने कि ग्रुप नंबर एक का मतलब है कि एल्कलाइन मेटल किसके किसके साथ रिएक्शन करती हैं और किसके साथ रिएक्शन नहीं करती, ये तमाम बातें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को बेटा कि ग्रुप नंबर एक के जो एलिमेंट हैं, है ना, ये रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्ट विद O2 के साथ, O2 से क्रिया पढ़ेंगे अपने,
है ना। नंबर दो रिएक्ट विद एन टू, एन टू से क्रिया पढ़ेंगे अपने, एन टू से क्रिया करते हैं तो भैया क्या बनाएंगे, हाँ जी रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया करते हैं तो ग्रुप नंबर एक के तत्व कैसे क्रिया करेंगे, आगे पढ़ेंगे बेटा जी रिएक्ट विद वॉटर H2O से क्रिया, अगर वर्ग संख्या एक के तत्वों की क्रिया जल से करवा दी जाए तो क्या होगा और एक पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों रिएक्ट विद अमोनिया NH3 से क्रिया, ये भी पढ़ेंगे कि अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, है ना। और क्या पढ़ोगे आप, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी में एक चीज और पढ़ लेना आप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये लो हाँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अपचायक गुणधर्म, अपचायक गुणधर्म। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपने को एक एक करके, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आसान आएगा कि वर्ग संख्या एक के तत्वों की क्रिया अगर O2 से करवाते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन ग्रुप नंबर वन एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, क्या होता है जब क्षारीय धातु हलोजन से क्रिया करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद द वॉटर, क्या होता है जब एल्कलाइन मेटल बोल तो क्षारीय धातु जल से क्रिया करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के जो है वो बनते हैं। तो एक एक टॉपिक को लेकर के अपने को चलना है और सभी केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है वो अपने बेखूबी के साथ में पढ़ेंगे अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा जी O2 से क्रिया, नंबर पॉइंट वन किसके साथ, रिएक्ट विद O2 से क्रिया, है ना, करें शुरुआत, आ जाओ। तो बेटा जी जो हमारी एल्कलाइन मेटल है ना, एल्कलाइन मेटल का मतलब है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, है ना। अब क्षारीय धातु कोई सी भी हो सकती है कि नहीं है, क्षारीय धातु जो है वो कोई सी भी हो सकती है आपके सामने, है ना, कोई सी भी एल्कलाइन मेटल, ये करते हैं अपने ये लो कोई भी क्षारीय धातु हो सकती है ना। किसी भी क्षारीय धातु की रिएक्शन अगर अपने करवाएं O2 के साथ, तो O2 से क्रिया करवाने पर बेटा जी वो क्या बनाते हैं, O2 से क्रिया करवाने पर वो बनाएंगे ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, जी हां। कोई भी क्षारीय धातु चाहे वो लिथियम हो, मतलब एल्कलाइन मेटल कोई भी हो, हम लोग एल्कलाइन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो व्हेन एनी टाइप्स ऑफ द एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद, सर्दी भी काफी है तो सर्दी से थोड़ा बच के रहना, बरसात होने की वजह से हमारे इस टाइप तो काफी सर्दी हो गई चुकी है बेटा, बढ़ चुकी है, है ना, इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि मौसम दोबारा वापिस जो है वो अपने बदलाव आ रहा है, तो थोड़ा सावधानी के साथ में आप लोग रहो, सर्दी मौसम भी बढ़ता जा रहा है, है ना। तो आइएगा, तो कोई भी क्षारीय धातु हो चाहे वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कोई भी हो, अगर उसकी रिएक्शन हमने O2 से करवाई तो O2 से करवाने पर वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा ये जो ऑक्साइड बनाएगा बेटा, ये दो प्रकार के ऑक्साइड बना सकता है, या तो वो बना सकता है मोनोऑक्साइड, या बेटा जी बन सकता है परोक्साइड, और या तो मेरे प्यारे साथियों मेरे रसगुल्लो या बनाएगा सुपर ऑक्साइड। सो जनरली तीन टाइप के हमारे क्या बनाए जाएंगे, तीन टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, मोनोऑक्साइड, परोक्साइड और
सुपर ऑक्साइड, इनका निर्माण किया जाएगा। आओ एग्जांपल देखो आप, याद रखना बेटा लिथियम जो है ना, लिथियम, अगर लिथियम की रिएक्शन करवा रहे हो तुम लोग किसके साथ, O2 के साथ, लिथियम की क्रिया करवाओ तुम किसके साथ, O2 के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो लिथियम है हमारा, ये क्या बनाएगा, लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। खोपड़ी में ये बात बिठा लो, क्लियर है बात, किसका निर्माण करेगा ये बनाएगा लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, लिथियम के बजाय मैं सोडियम लेके आ गया बेटा, सोडियम, सोडियम की रिएक्शन करवाओ तुम लोग O2 के साथ, तो मेरे प्यारे बाबू सोडियम तुम्हारा क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा सोडियम परोक्साइड, सोडियम, सोडियम परोक्साइड का निर्माण करते हैं। बाकी जो बच गए हमारे, ये लिथियम मोनो बनाता है, ये परोक्साइड बनाता है। अच्छा, बाकी जो बच गया जैसे सोडियम के अलावा जो पोटेशियम बच गया, आ रही बात समझ में, हाँ, इसकी रिएक्शन अगर अपने इसके साथ करवाते हैं तो बनता बेटा जी सुपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो देखो मोनोऑक्साइड कौन बना रहा है, मोनोऑक्साइड बनाएगा बेटा जी ये लिथियम, और परोक्साइड कौन बना रहा है, सोडियम, और सुपर ऑक्साइड कौन बना रहा है बेटा, पोटेशियम, या फिर पोटेशियम के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो हमारे परोक्साइड, सुपर परोक्साइड बनाते हैं, सॉरी सुपर ऑक्साइड, सॉरी। तो जब कोई भी क्षारीय धातु, व्हेन एनी टाइप्स ऑफ द एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, देन द फॉर्म ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड, वो मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, वो परोक्साइड भी बना सकता है, या सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट है कौन सा। अब लिथियम की क्रिया करवाओगे तो लिथियम तुम्हें क्या देगा, लिथियम मोनोऑक्साइड, ये परोक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का बेटा नेचर अलग अलग होता है, अपने कह सकते हैं कि सभी तत्वों की प्रकृति जो होती है वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, आ रही बात समझ में। ऐसे सोडियम की अगर करवाओगे इसके साथ तो तुम लोगों को यह सोडियम परोक्साइड देगा, जस्ट सिमिलर पोटेशियम की करवाओगे तो तुम लोगों को ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देगा, आगे बात समझ में। तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। बात करते हैं नंबर दो, दूसरा पॉइंट, रिएक्ट विद N2, N2 से क्रिया करवाते हैं अपने, N2 से क्रिया, जी हां। अब N2 से क्रिया कैसे होगी, हाँ, कोई भी बेटा जी एल्कलाइन मेटल उठा के लेके आ जाना, कोई भी क्षारीय धातु एल्कलाइन मेटल की रिएक्शन करवा देना आप लोग नाइट्रोजन के साथ, क्षारीय धातु के साथ करवा देना क्रिया नाइट्रोजन की ना, तो बनेगा क्या बेटा जी, हाँ, तो बनेगा हमारा मेटलिक नाइट्राइड, मेटलिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। ग्रुप नंबर एक का कोई सा भी एलिमेंट लिए ना, ई फॉर एलिमेंट, एलिफेंट नहीं, ई फॉर एलिमेंट, ग्रुप नंबर एक का कोई सा भी हो सकता, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम या फिर फ्रेंसियम, लेके ना फ्रेंसियम इज बिहेव एज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बिहेव रेडियोएक्टिव की तरह करता है, इसलिए उसको नहीं लेकर के आना अपने को, है ना, अपने को किसको लेके आना है, बाकी जो बच गए। अच्छा, किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन करवाना है तुम लोग नाइट्रोजन के साथ, और जब नाइट्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाओगे, ई का मतलब है एलिमेंट, तो मेरे प्यारे साथियों मेटलिक नाइट्राइड बनेगा तुम्हारा, ई का मतलब एलिमेंट, ये नाइट्राइड बन जाएगा E3M, E3M। जैसे आप लोग लिथियम को लेके आ जाओ, लिथियम की रिएक्शन करवाना तुम लोग N2 के साथ, तो लिथियम तुम्हें क्या देगा, Li3N देगा, बात आई समझ में। ऐसे सोडियम लेके आना आप लोग, सोडियम की रिएक्शन करवाना तुम लोग नाइट्रोजन के साथ, तो तुम्हें ये देगा सोडियम एजाइड दे देगा, हाँ।
अच्छा ऐसे ही तुम लोग पोटेशियम की रिएक्शन करवा देना नाइट्रोजन के साथ, तो आपको ये देगा, ये लो। जनरली ये ज्यादा स्टेबल होते हैं हमारे, बाकी आगे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आसानी से रिएक्शन करते नहीं है। लिथियम और सोडियम आसानी से नाइट्रोजन के साथ में इजीली रिएक्ट होकर के ये स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, लिथियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये लो। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, ये लीजिए, ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। हाँ, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से कहने की मेन बात यह है कि जब कोई भी एल्कलाइन मेटल नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन से क्रिया करने पर आपका किसका फॉर्मेशन होता है, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। लिथियम क्या, मेटलिक नाइट्राइड बनता है हमारा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये हमारी नाइट्रोजन से क्रिया होगी बेटा। नाइट्रोजन के बाद में अगली हेडिंग डालते हैं अपने किसके साथ, रिएक्ट विद हैलोजन। हैलोजन बोले तो X2, X2 से क्रिया, हैलोजन से क्रिया। अब इसके बारे में देख लो, आप इसके बारे में देख लेते हैं, करें शुरुआत, आ जाओ। तो कोई भी एल्कलाइन मेटल बेटा जी, कोई भी एल्कलाइन मेटल की रिएक्शन करवाना तुम हैलोजन के साथ। अब हैलोजन तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं, हैलोजन हो सकता है F2 हो सकता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, इनके साथ अगर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों तुम्हारा क्या बनेगा, मेटलिक हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा अपना, मेटलिक हैलाइड, यानी कि धात्विक हैलाइड का निर्माण होगा। देखो ये चैप्टर पूरा आसान है, बस इसको एक बार रीड करने की जरूरत है। अगर आपने इसको एक बार रीड करके छोड़ दिया, उसके बाद में आप लोग 10 दिन के बाद में एक बार और रीड कर लो, आपके माइंड में रहेगा ये चैप्टर पूरा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ करती है, फिजिकल केमिस्ट्री और भी टफ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, बस थ्योरेटिकल पोर्शन है। बस अगर थ्योरेटिकल पोर्शन अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे वाला पोर्शन भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोगों को अच्छी तरह से क्या करना है, समझते हुए आगे चलना है। क्योंकि हर चीजें इसमें कुछ बेटा ऑथेंटिक होती हैं, जो बनेगा वो बनेगा। इसके अलावा अगर कुछ और ही बना के आ रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनऑर्गेनिक जो है वो थोड़ा वीक है, है ना। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि हमको अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलना है आगे। अच्छा, एल्कलाइन मेटल कोई सी भी लेकर आ जाओ, ये लो M4 मेटल या E4 एलिमेंट कोई भी लेकर के आ जाओ, क्षारीय धातु में से, और इसकी रिएक्शन करवा देना आप किसी भी हैलोजन के साथ, हैलोजन कोई भी लिया ना, और बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा बेटा जी, मेटलिक हैलाइड, धात्विक हैलाइड, MX बनेगा, MX। MX प्लेयर भी होता है, तुम लोगों का चलता होगा तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर, MX प्लेयर, बस वही MX प्लेयर बन रहा है हमारा। अरे बावले, MX प्लेयर नहीं है, ये मेटल है, ये हैलोजन है, ये मेटलिक हैलाइड बनेगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मेटलिक हैलाइड होता है ना बेटा, ये एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड है ये ध्यान रखना, ये बनता है आयनिक यौगिक। कैसा होता है ये आयनिक यौगिक होता है हमारा, और हम जानते हैं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं मेरे बाबू, आयनिक यौगिक हम किसको कहते हैं, आयनिक यौगिक उसको कहते हैं जिसमें आयनिक बंध पाया जाता हो, आयनिक बंध पाया जाता हो। और हम ये बात जानते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड बेटा जी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, प्रबल बंध है ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है।
मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है। तो कहने की मेन बात, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपके सामने, ये लो इसी को ले लेते हैं अपने, ये ले लिया मैंने लिथियम, और मेरे प्यारे साथियों लिथियम की रिएक्शन करवा दी मैंने ये लो Cl2 के साथ करवा दी ये लो, बताओ लिथियम कितने, दो लिथियम है, Cl भी कितने, दो Cl, ये लो ये बन गया हमारा लिथियम क्लोराइड। आ रही बात समझ में, चलो मैं इसको मैं आगे करवा देता हूं, आगे देखो आप, ये लो जैसे लिथियम लेकर के आ जाए अपने, लिथियम की रिएक्शन करवा दी मैंने F2 के साथ, मान लो ये बन गया बेटा जी 2LiF, लिथियम क्लोराइड बन गया। ऐसी लेके आ जो लिथियम, इसकी करवा दो Cl2 के साथ क्रिया, ये बन गया हमारा लिथियम क्लोराइड, ये लो लिथियम क्लोराइड। लो भैया लिथियम की क्रिया करवाई हम लोगों ने ब्रोमाइड के साथ में, बना हमारा क्या, लिथियम ब्रोमाइड। अरे बात समझ भाई, ऐसे सोडियम लेके आ जाओ सोडियम, अब सोडियम की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Cl2 के साथ, क्या बनेगा बेटा 2NaCl, ये लो तुम लोग सोडियम लेकर के आगे, सोडियम की रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने I2 के साथ, ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, ये लो पोटेशियम लेके आ गए आप, पोटेशियम की रिएक्शन करवा दी तुमने Cl2 के साथ, बताओ क्या बनेगा 2KCl, पोटेशियम की रिएक्शन करवाई आपने I2 के साथ में, क्या बन गया पोटेशियम आयोडाइड, ये लो। ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों मेटलिक हैलाइड बन रहे हैं, ये सारे के सारे, हाँ धात्विक हैलाइड बन रहे हैं हमारे, और जो धात्विक हैलाइड होते हैं मैं अभी बताया था आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक नेचर होता है इनमें, आयनिक नेचर होता है, और आयनिक नेचर की वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड है इसलिए आयनिक नेचर है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है काफी, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसको अपने आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते आप, इसका मतलब ये है कि इन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा, वही तो लिखवा के आया हूं मैं आपके सामने, ये लो कि जो ये हमारे एल्कलाइन मेटल होते हैं अगर हैलोजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे हैलाइड बनाते हैं मेटलिक हैलाइड, और जो ये मेटलिक हैलाइड होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयनिक बॉन्ड, एंड वी ऑल्सो नो दैट द आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटलिक हैलाइड इज मच हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ये देखो जैसे अब नमक है, नमक को तुम देखा होगा, नहीं देखा तो चलो रसोई के अंदर लेकर क्या हो नमक, वो नमक हमारा NaCl है, उस NaCl को लेकर के तवे पे रखो आप लोग और तवे को कर दो गर्म करना शुरू, बस ये ध्यान रखना कि ममा घर पे ना हो, है कि नहीं है, नहीं तो तुम लोगों का तवा गर्म होने से पहले तुम लोगों की गाल गर्म हो जाएंगी, इसे थोड़ा सावधानी के साथ प्रैक्टिकल करना आप लोग। तो बेटा जी आप देखोगे तो तवे को गर्म करो तो तवा पहले बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा लेकिन फिर भी नमक जो है वो पिघल नहीं पाएगा, मेल्ट हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, तवा मेल्ट हो जाएगा तुम्हारा नमक मेल्ट नहीं होगा बोलो, हाँ क्योंकि वो NaCl आयनिक कंपाउंड को पिघलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और पहली बात वो उतना टेम्परेचर मिल ही नहीं पाएगा अपने को, और घरों के अंदर जो आम जो सिलेंडर होता है हमारा LPG है ना, वो उससे लगभग बेटा जी 300 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है अपने को, बस 300 से 400 डिग्री हाईएस्ट इतना टेम्परेचर मिलता है अपने को, इतने टेम्परेचर पे तो अपने मेल्ट कर ही नहीं सकते अपने, है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जैसे मान लो मैंने नोट्स में भी दे रखा है, जैसे लिथियम क्लोराइड आ गया, लिथियम क्लोराइड आ गया, लिथियम ब्रोमाइड आ गया, और मान लो लिथियम आयोडाइड आ गया, अब आपसे प्रश्न ये है कि क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन ये है कि बताओ इनमें से किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये बात आई, किसका गलनांक बिंदु ज्यादा होगा और किसका गलनांक बिंदु कम होगा, है ना, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला ये है और क्वेश्चन नंबर चलिए देता हूं गलनांक बिंदु, गलनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए,
अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बढ़ते क्रम में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन और ले लो, ये लो, ये लो। दूसरा क्वेश्चन एक और दे दिया मैंने, दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और आपको यह बताना कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये अरेंज करके बताना है आप लोगों को, ठीक है? आ जाओ, वापस लौट के आ जाओ। तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा जी, हैलोजन के साथ क्रिया हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं अपने हैलोजन के बाद में, अपने पढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं अपने नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, तुम लोगों को क्वेश्चन करना है बेटा। आगे पढ़ते हैं अपने रिएक्ट विद H2O, बोले तो H2O से क्रिया। जी हां, कि अगर ग्रुप नंबर एक के एलिमेंट अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो तुम क्या देखोगे, क्या होगा? आ जाओ, क्या होगा बेटा? एल्काइन मेटल लेके आ जाना, मिल जाएगी क्या? मिलती नहीं आसानी से तुम्हें बाजार में, तुम लोगों के अपने नाम से नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा ये मेटलिक ऐसी मेटल है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि पानी में डालोगे तो पानी में भी आग पकड़ लेती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है ये। इसलिए इनका इस्तेमाल जनरली हम लोग ब्लास्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ब्लास्ट करने में। हाँ, इसलिए तुम लोगों को बिना लाइसेंस के तौर पर आप लोगों को सोडियम का टुकड़ा या पोटेशियम का मेटल आप लोगों को मिलेगी नहीं, है ना? तो स्कूल लेवल के अंतर्गत अपने बात करें तो उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोगों को मिल सकती है, ऐसे अगर आप लोग बाजार में जाते हो तो अपने को नहीं मिलेगी, है ना? तो क्षारीय धातु की अगर अपने बात करें बेटा, जी हाँ, क्षारीय धातु की बात करें तो क्षारीय धातु के अंदर अपने पानी मिला दें, वॉटर एड कर दें अगर अपने, तो एल्कलाइन मेटल में H2O ऐड कर देते हैं तो H2O ऐड करने पर तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? क्षार बनेगा, बेस, और बेस के साथ साथ में क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और H2 गैस के साथ साथ बेटे जी बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में क्या बनेगी? एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा। हाँ, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब हीट, आग पकड़ लेती है वो आग। जैसे तुम लोग सोडियम को पानी में डालोगे ना, बेस तो बनेगा, H2 गैस निकलेगी, साथ में वो आग के साथ जलने लग जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है एनर्जी। इसलिए वर्ग संख्या एक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? उन सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं अपने? वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन दिखाते नहीं है, है ना? वाटर में डालते नहीं है, प्रिजर्व करने के लिए इसको केरोसिन के ऑयल में डाल के रखते हैं अपने। किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। तो जैसे मान लो बेटा जी लिथियम आ गया आपके सामने, है ना? अब लिथियम को तुम लोग मिलाओगे पानी में, लिथियम को वाटर में मिलाओ आप, अब लिथियम को वाटर में मिलाओगे तो लिथियम को वाटर में मिलाने के बाद में तुम लोग देखोगे कि लिथियम इसके साथ क्रिया कर लेगा और एक तो बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एक तो आपको, और एक मिलेगी तुम्हें H2 गैस, और एक्सेस मात्रा में तुम्हारी क्या निकलेगी बेटा? हीट, एनर्जी निकलेगी। ई लिख देता हूं मैं, एनर्जी। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, ये लीजिए रिएक्शन बैलेंस कर दी हम लोगों ने, 2 यहां लगा दिया, ये लो 2 यहां लगा दिया, 2 यहां लगा दिया, ये रिएक्शन हमारे बैलेंस हो गए। अच्छा, लिथियम के बजाय आप लोग सोडियम ले लो, ये लो सोडियम ले लो, सोडियम को मिला दो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सोडियम मिला दो, ये लो। कितने सोडियम है बेटा? 2 सोडियम है। हाँ, सोडियम 2 है। अच्छा, सोडियम 2 इसके साथ बेस बन गया और H2 निकल गई गैस और एक्सेस मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होगी। इसका नाम क्या बताएगा कोई? इसका नाम क्या? इसका नाम है सोडियम
हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, बात आई समझ में? हाँ अच्छा, इसके अगर अपने आगे चलते हैं, लिथियम के अलावा आप लोग सोडियम के अलावा आप लोग पोटेशियम ले लो, या पोटेशियम ले लो और पोटेशियम की रिएक्शन करवा दो आप लोग वाटर के साथ। ये लो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने, तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में निकलेगी हाइड्रोजन गैस और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होगी। मतलब पोटेशियम को डालोगे पानी में, बाद में आग में नहीं पकड़ लेगा वो, इतनी फास्ट रिएक्शन करता है वो, है कि नहीं? इतनी फास्ट। देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, रिएक्शन ये लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप, ये लो। तो कहने की मेन बात ये है कि कोई भी क्षारीय धातु को हम लोग पानी में तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे पानी में डालेंगे एक्सेस मात्रा में एनर्जी क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी, इतनी ज्यादा क्रिएट होगी कि मतलब आग लग जाती है उस पानी, पानी में आग लग जाती है, हाँ पानी में ही आग लग जाती है ना। तो कहने की बात यह है कि जब हम लोग क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया वाटर के साथ करवाते हैं, तो वाटर के साथ करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है, बेस का फॉर्मेशन होगा, और बेस के साथ साथ एक्सेस मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्सोथर्मिक। इसलिए एक बार प्रश्न आता है कि क्षारीय धातुओं को केरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है, क्यों? पेट्रोल के अंदर नहीं, केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल उसमें डाल के रखा जाता है, मिट्टी का तेल जिसको आप लोग बोलते हो, हाँ क्यों भाई? क्योंकि क्षारीय धातुएं जितनी भी हैं वो एयर में रखती, तुमने तो एयर में तो एटमोस्फियर प्रेशर, सॉरी एयर में तो वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर से क्रिया कर लेगा, जलने लग जाती है। पानी में डालोगे, पानी में डाल करके तो तुमने देख ही लिए इसके नजारे, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे। आई बात समझ में? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज होती है इसकी रिएक्टिविटी। तो कहने की मेन बात क्या है कि जब भी हम लोग किसी एल्कलाइन मेटल चाहे वो सोडियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे पोटेशियम हो, है ना, कोई भी एल्कलाइन मेटल की रिएक्शन अगर अपने क्या करवाते हैं, किसी वाटर के साथ करवाए, है ना, किसी का मतलब वाटर के साथ करवाए, चाहे वाटर वो नदी का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे हमारे घरों पे आने वाला पानी क्यों ना हो, उसमें डाल दो आप लोग, है ना, तो आप देखोगे कि वो इतनी फास्ट रिएक्शन करती हैं कि पानी को मतलब आग लगाने लग जाती है, है ना। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको कि अगर आप लोग लिथियम की क्रिया करवाओगे वाटर के साथ, लिथियम की वाटर के साथ क्रिया करवाओगे तो नो डाउट क्रिया करेगा, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में H2 निकालेगा, लेकिन इसमें एनर्जी जो निकलेगी ना वो बेटा कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी। अच्छा सोडियम को डालो आप लोग पानी के अंदर, तो नो डाउट इसमें भी बेस बनेगा हमारा, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बस एज तुमको बता रहा हूं, लेकिन इसमें जो एनर्जी निकलेगी ना बेटा वो ज्यादा निकलेगी। अच्छा पोटेशियम को मिला देना पानी के अंदर आप लोग, और पोटेशियम को पानी में मिलाओगे तो इट्स ऑल्सो फॉर्म द बेस एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, मतलब इतनी ज्यादा निकलेगी कि पानी के अंदर उसको डालते ही आप लोगों को देखोगे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी हमारी। अच्छा सीजियम को तो आप लोगों का मामला ही अलग है, सीजियम को डालोगे तो नो डाउट सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ही, H2 निकलेगी और इसमें पैदा होने वाली एनर्जी और भी ज्यादा पैदा होगी, और भी ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। हाँ फ्रेंसियम वैसे मिलता तो नहीं है, लेकिन फ्रेंसियम की रिएक्शन करवाओगे तो बेटा जी एक्सेस मात्रा में एनर्जी पैदा होगी, एक्सेस मात्रा में मतलब जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या इतनी, हाँ इतनी एनर्जी ज्यादा पैदा होगी इसमें। तो इन एल्कलाइन मेटल में जो लिथियम है ना, लिथियम ये धीरे धीरे स्लो स्लो रिएक्शन करेगा, ये थोड़ा स्लो करता है, बाकी तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे तो वो फास्ट फास्ट वेरी फास्ट और वेरी 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 फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। हाँ अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग एल्कलाइन मेटल चाहे कोई सी भी हो, जैसे मैं भी आप लोगों को बता के आया हूं पीछे, चाहे वो लिथियम हो चाहे वो सोडियम हो,
अगर आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद में ये पानी के ऊपर उछलने लग जाती हैं। जैसे तुम लोग जब कई नई खुशखबरी सुन लेते हो है ना, तो तुम लोग उछलने लग जाते हो है ना, कूदने लग जाते हो आप, डांस करने लग जाते हो यू नो, तो वैसे ये करती हैं। तो जब क्षारीय धातुओं को अगर आप लोग पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालते ही बेटा ये डांस करने लग जाती हैं, है ना, हाँ डांस करने लग जाती हैं, नाचने लग जाती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं डांसिंग मेटल, नाचने वाली धातुएं। देखो नाचने वाली धातुएं भी हैं हमारी, जिनको पानी में डाल देते हैं तो पानी, अच्छा लोहे को पानी में डालोगे तो क्या पानी पे डालने के बाद में वो नाचेगा क्या अंदर, हां डाल के देख रहे हैं तुम्हारे घर पे पड़ा होगा लोहा। लेकिन ये वाली जो मेटल होती हैं, ये पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर ये बेटा डांस करने लग जाती है, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम की रिएक्शन कैसे होती है, सोडियम की कैसे होती है, और फ्रेंशियम तो मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो बेटा बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में रिएक्शन होगी हमारी, है ना। जरा देख लेते हैं, देखा इसकी वीडियो देखना चाहोगे आप, हाँ वीडियो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि इनकी रिएक्शन पानी के साथ कैसे होती है। देखो लिथियम सोडियम तो चलो मेरी अपने लैब में पड़ा है, स्कूल की लैब के अंतर्गत, है ना, तो किसी दिन अगर टाइम होगा तो जरूर आप लोगों के साथ लेकर के आएंगे, सोडियम का जो भी क्रिस्टल टुकड़ा वगैरह है तो पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो वैसे भी आप लोग इसकी वीडियो को आप लोग YouTube पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अच्छा देख लेते हैं अपने कि कौन कितने स्लो के साथ रिएक्शन करता है और किस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो देखते हैं अपने इनकी मेटल की, एल्कलाइन मेटल की किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे अपने, है ना। तो देखना बेटा जी, साथ में आप लोगों को बताते भी रहूंगा मैं। जैसे लिथियम आ गया हमारा, देखो लिथियम आराम से रिएक्शन कर रहा है हमारा, है ना, वाटर के अंदर रिएक्शन करवाई हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा ये सोडियम आया, ये सोडियम को हमने इसके अंदर डाला है, देखिए ये डांस कर रहा है ऊपर, देखो डांस कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं डांसिंग मेटल बोलते हैं। देखो फिर बाद में फिर आग पकड़ लेता है, देखो पानी में आग पकड़ रखा है इसने, यानी कि कहने की मेन बात ये वाटर के साथ में भी क्रिया करके एक्सेस मात्रा में किसका निर्माण करते हैं। जूम करके दिखाया इसने, देखो ये वाटर ड्रॉप आ रही है, देखो अब देखो कितना ब्लास्ट हुआ है ना। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये कहता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होगा, देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये नदी में डाल दिया उसने एक्सेस मात्रा में, देखो ये इस प्रकार से, इसलिए हमको ये सोडियम के टुकड़े आसानी से मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हाँ नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोटेशियम, देखिए पोटेशियम कितनी फास्ट रिएक्शन की, मतलब डालते ही क्या हो जाता है रिएक्शन। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द रुबिडियम, लो भी रुबिडियम का हालात ये है। अच्छा काफी ज्यादा मात्रा में रुबिडियम ले तो देखो इसने तो चिथड़े उड़ा दिए सभी के, देखो ये वाले दिस इज द रुबिडियम। एंड आफ्टर दैट द सीजियम, ये देखो सीजियम की थोड़ी सी मात्रा डाली और देखो मतलब लार्ज मात्रा में अगर ले लेते हैं सीजियम को, देखो ये मतलब इतना प्रकार से हो गया, मेरे को खुद को डर लग रहा है इतने पास में से कहीं पे मेरे पे मत आ जाए, है ना। सो एट फाइनली वी डिस्कस अबाउट द फ्रेंसियम, वैसे मैंने आपको बताया फ्रेंसियम मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर फ्रेंसियम मिल भी गया तो उस फ्रेंसियम के हालात देखना, क्योंकि देखो 22 मिनट होते हैं इसकी लाइफ टाइम है ना, इसलिए देखो ये देखो वाटर से रिएक्शन करेगा तो कुछ इस टाइप से हमारा बहुत बड़ा ब्लंडर पैदा हो जाएगा हमारे लिए। तो बेटा जी कहने की मेन बात क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो सोडियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, कोई सा भी हो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो डाउट एक्सेस मात्रा में एनर्जी पैदा होती है, इसलिए आसानी से मिलते नहीं है ये, है ना, और पानी पर नाचने भी लग जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डांसिंग मेटल। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ रिएक्शन के बाद में बेटा जगह हेडिंग डालते हैं अपने रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया का मतलब है NH3 से क्रिया, है ना, NH3 से क्रिया। देखिएगा ये क्या है, बस इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि कोई भी अगर बेटा एल्कलाइन मेटल की अगर अपने क्रिया करवाएं किसके साथ, एल्कलाइन मेटल की रिएक्शन करवा दें अगर अपने अमोनिया के साथ, अमोनिया को मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूं, ये लो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। अच्छा अमोनिया की मात्रा मैंने कितनी ले ली बेटा, अमोनिया की मैंने मात्रा ले ली X+Y, अमोनिया की अमाउंट मैंने ले ली मान लो 20 मोल, 25 मोल, 30 मोल, तो वह मैं दिखाएं
10 प्लस 10 बोले तो 20 मोल, 15 प्लस 15 30 मोल, कितनी भी ले सकते हो आप। तो जब एल्कलाइन की रिएक्शन करवाए अपने बेटा जी अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ क्रिया करवाने पर मेरे प्यारे रसगुल्लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो संकुल यौगिक बनेगा। संकुल, संकुल यौगिक का मतलब क्या है? संकुल यौगिक का मतलब होता है बड़ा यौगिक। हाँ, लार्जेस्ट तुम्हारी तरह, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है ना, सो जस्ट लाइक योर हार्ट, तो एक बहुत बड़ा संकुल यौगिक बनेगा हमारा। कैसे बनेगा जरा देखो आप लोग, मेटल कोई सी भी ले आना आपकी इच्छा है, जैसे ये ले जी अपने M4 मेटल, मेटल की जगह लिथियम सोडियम पोटेशियम कोई भी लेकर के आ जाओ। फ्रेंसियम तो मिलने वाला है नहीं, है ना, ना ही मिले तो भी ठीक है, नहीं तो अभी हालात देखे थे आपने, और वैसे भी मिलता नहीं बिकॉज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फ्रेंसियम इज 22 या 23 मिनट होता है उसका, है ना। किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाओ बेटा आप, एक्स प्लस वाई मात्रा लिए मैंने NH3 की, एक्स प्लस वाई मात्रा लिए मैंने किसकी, अमोनिया की, है ना। हाँ, तो इसकी मात्रा इसको लोगे मेरे प्यारे साथियों, तो मेटल के साथ कुछ मात्रा मेटल के साथ जुड़ जाए, मान लो एक्स मात्रा इसके साथ जुड़ गई, पूरी मात्रा नहीं जुड़ती ध्यान रखना, और प्लस चार्ज यहां पे आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस टाइप का बनेगा हमारा। अब कैसे बनेगा मैं अगले वाले पॉइंट में बताऊंगा आपको दोबारा वापिस। तो जब कोई भी, जैसे मान लीजिएगा इसकी जगह आप लोगों ने सोडियम लेकर के आगे, एंड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एक्स प्लस वाई अमाउंट ऑफ NH3, देखो मात्रा मैंने जानबूझ के दिखाई है इसने, मान लो ये 10 प्लस 10 है, हो सकता है ये 7 प्लस में 13 हो सकता है ये 12 प्लस में 8 हो, कितनी भी हो सकता है 20, तो कुछ मात्रा अमोनिया की इसके साथ जुड़ती है, सारी मात्रा नहीं जुड़ती ध्यान रखना, एक्स मतलब कुछ मात्रा जुड़ती है, कुछ मात्रा कितनी हो सकती है वो अपने को पता नहीं, क्योंकि यहां पे सोडियम लिया है तो सोडियम की मात्रा जुड़ने वाली मात्रा अलग होगी, लिथियम ले लिया तो लिथियम के साथ जुड़ने वाली अमाउंट अलग होगी, पोटेशियम ले लिया तो पोटेशियम के साथ जुड़ने वाली NH3 की मात्रा अलग अलग होगी, है ना। तो बात अगर हम लोग करें सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई है मेरे प्यारे साथियों, तो ये बन जाएगा सोडियम के साथ, मान लो ये जुड़ गया, ये लो एक्स मात्रा और प्लस चार्ज, और सर वाई मात्रा कहां जाएगी भाई, दो मात्रा है ना, एक्स मात्रा वाई अमाउंट कहां चलेगी, वाई मात्रा किधर चलेगी, तो बेटा वाई मात्रा किधर भी नहीं जाती, वो चली जाती है इलेक्ट्रॉन के पास। देखो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मात्रा इधर चली जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब या फिर किस प्रकार से, वो बात की बात है आपको, तो ये फाइंड याद रखना है ये वाला बात है, कि जब क्या, जब हमारा कोई भी एल्कलाइन मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ क्रिया करता है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, ये सोडियम कंपाउंड या फिर लिथियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पोटेशियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। चलो इसके आगे बात करते हैं, अपने लास्ट पॉइंट है हमारा जो भी अगला, पांचवा या छठा जो भी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जी हां, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है अपचायक। अपचायक का मतलब क्या होता है, अपचायक का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो। चैप्टर नंबर 8वां याद आया होगा आप लोगों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद करना था तुम लोगों को, है ना। हाँ, और नो डाउट आपने इसका लाइव सेशन भी रखा था, आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की थी आपने, तो आइएगा। तो बेटा जी रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो जनरली जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की भांति बिहेव करते हैं, बोले तो अपचायक की भांति बिहेव करते हैं। और अपचायक का मतलब जिनका क्या होता है, हाँ, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, है ना, जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिनका ऑक्सीकरण हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं अपचायक। ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और आप बेखूबी के साथ में जानते हो कि मैं लिथियम की बाद करें, सोडियम की बाद में बात करेंगे, लिथियम की बात करें तो लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, ये लो लिथियम से बेटर सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑल्सो पोटेशियम भी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये लीजिए
देन इट्स आल्सो बिहेवियर एज रिड्यूसिंग एजेंट। एमएमए सीजीएम की बात करूं तो मेरे प्यारे बाबू वो सीजीएम भी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डोनेट कर दिए इन्होंने, तो इसका मतलब इन सबका क्या हो रहा है, इन सबका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है मेरे साथियों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अपचायक। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा मुझे कोई बताएगा इन चारों में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, ये लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोइंग बिलो। नीचे दिए गए कंपाउंडों में कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, सॉरी हाँ प्रबल ऑक्सीकारक है, ये लो ए ऑप्शन दे दिया मैंने आप लोगों के सामने सोडियम, बी ऑप्शन दे दिया तुम्हारे सामने मैंने पोटेशियम, सी ऑप्शन दे दिया मैंने सीजियम, और डी ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया लिथियम। और तुम्हें यह बताना कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा, मतलब जिसको आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, बोले तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब पता चल गया होगा हाँ सबको कि भैया लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम के बाद में सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, पोटेशियम का साइज और बड़ा हो गया, रुबिडियम का साइज और बड़ा हो गया, सीजियम का साइज तो और भी बड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये आसानी से डोनेट करेगा तो मेरे प्यारे साथियों जो लिथियम है हमारा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है अपने ग्रुप में, और सीजियम जो है बेटा ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना? तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो बेखूबी के साथ में हमने डिस्कस की है ना। काफी बड़ा टॉपिक था ये आप लोगों का कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है या कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो नो डाउट अगर क्वेश्चन आप लोगों का पुटअप करेगा ग्रुप नंबर वन में से तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादातर उसके चांसेस रहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पूछने के, है ना? और केमिकल प्रॉपर्टीज नो डाउट आप लोगों ने अच्छी तरह से तुम लोगों ने डिस्कस कर भी रखी होगी और लिखवा भी रखी है मैंने। ये देखो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रखी है, H2 के साथ रिएक्शन, अच्छा H2 के साथ रिएक्शन रहेगी ना आपकी, H2 के साथ रिएक्शन करवाई नहीं मैं, चलो यहीं भी पढ़ लेते हैं अपने। तो क्षारीय धातुओं की क्रिया अगर अपने H2 के साथ करवाते हैं, H2 के साथ करवाते हैं, ये लो H2 के साथ में क्रिया करवा रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा, मेटलिक हाइड्राइड बनता है बेटा। क्या बनता है, मेटलिक हाइड्राइड का निर्माण होता है, MH का निर्माण होता है ना। लिथियम की करवाओ इसके साथ ये बनेगा हमारा। फिर तुमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, नाइट्राइड बनता है हमारा, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम। हैलोजन के साथ क्रिया करवाई तो मेरे प्यारे साथियों तो हैलोजन के साथ क्रिया करवाने पर तुमने देखा होगा कि हैलाइड बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को मैंने, कुछ याद आया होगा आप लोगों को, है ना? फिर बेटा जी तुमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ ली, किसकी ज्यादा होती किसकी कम होती, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वाटर के साथ तुम लोगों ने आराम से डिस्कस किया कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अमोनिया के साथ तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ ली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो बेटा जी फिनिश हो चुकी है, ठीक है? अगली क्लास में अपने क्या डिस्कस करेंगे, कल अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो मेटल है इनका यूज कहां पे करते हैं, फालतू में इनका इसका बस बना लिया लैब में इस्तेमाल करेंगे बेटे, करते हैं इनका इस्तेमाल कहां, यूज करते हैं इनका। और इसके अलावा ग्रुप नंबर एक में सबसे मेन सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोडियम, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद में शाम को जब सोते हैं तब हम लोग पूरे
दिन में जो भी चीजें खाते हैं उसमें सोडियम तो ऑलमोस्ट होता ही होता है। चाहे आप लोग रोटी खाओ तो रोटी में तुम लोग नमक डालते हो, सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में नमक डालते हैं, मार्केट में बाहर चले गए तो कुछ चीजें खा रहे हो तो उसमें तो सोडियम मिलेगा ही मिलेगा। तुम लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट कर रहे हो, करते भी हो क्या, उसमें भी सोडियम है। मतलब काफी चीजें हम लोग दिन में जो दिनचर्या है हमारी उसमें हम लोग सोडियम का जहां कहां तहां तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो अगली वीडियो में अपने सोडियम के कंपाउंड पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सोडियम के हैं और जिनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो तमाम चीजें हमारी अगली क्लास में रहेंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे एल्कलाइन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है और अगली वीडियो के अंतर्गत अपने जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ये तमाम चीजें हमारी अगली वीडियो की रहेंगी। ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। और दोबारा वापस आप लोगों को बता दूंगा मैं कि कब हमारा लाइव सेशन होगा और चैप्टर नंबर तुम लोगों को मैंने बता ही दिया, चैप्टर नंबर 4 का हम लोग लाइव सेशन रखेंगे जल्दी ही, ताकि तुम लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आप लोगों के साथ में आसानी के साथ में पता चलेंगे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। ठीक है बेटा जी, तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं अपने कल, आज के लिए जय हिंद जय भारत।